अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, खाना सुबह डाल दिया था मैंने। अब जो है इन दोनों को मैं नहलाऊंगी, एक वाइट वाला और एक जो कैलिको किटी है, तो आज इन दोनों को नहलाना है मैंने। और उन बच्चों को भी देख लेते हैं क्या हाल है उनका। इस बच्चे की आंखें फिर बंद हो गई हैं, इस वाले की जो रेड एंड वाइट है पूरा, तो इसकी भी आंखें साफ़ करनी होंगी। इसकी भी एक आंख दोबारा बंद हो गई है और जो पीछे है वो सो रहा है। तो पहले मैं उन दोनों को नहलाऊंगी, फिर इनकी आंखों की तरफ देखते हैं सफाई करने के लिए। ये रही बाल्टी और इसका सारा सामान वही निकालना है, शैम्पू है, कपड़ा है साफ़ करने के लिए। तो फिर देखते हैं, नहलाते हैं। असल में ये जो कैलिको किटी है इसके लिए आज जो है एक पार्टी आ रही है, इसको देखने के लिए, देखते हैं कि सौदा बनता है या नहीं बनता है। सारा सामान मैंने रेडी कर दिया है, पानी बिल्कुल सही है और शैम्पू है ये सब रखा हुआ है। वहाँ मैंने मशीन निकाली है उस सामने। अब जो है पहले मैं इसको नहलाऊंगी। चलो आओ, नहाने की बारी शुरू। इनको भी बेचने के लिए तैयार करना ऐसा है जैसे किसी लड़की का रिश्ता तय हो के पहले उसको नहलाओ, उसे साफ़ करो, उसे सब करो, फिर उसे आगे पेश करो। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर रिश्ता ख़त्म। सेम वही हाल इन लोगों का भी है। अच्छा, नहलाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि इनके कान में पानी नहीं जाए। अगर कान में पानी चला गया तो बिल्ली मर जाती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ी बिल्ली हो। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि कान में बिल्कुल पानी ना जाए। अगर कभी गलती से चली जाए तो आप फौरी तौर पे जो है वेट के पास लेके जाइए और वो अंदर से पानी वानी साफ़ करके दवा वगैरह अंदर ड्रॉप्स डाल के आपको मेडिसिन दे रहे हो ताकि इन्फेक्शन क्रिएट ना हो और आपकी बिल्ली मरे ना। और अगर कभी ऐसा हो कि आपने नहलाया नहीं है या कान में पानी नहीं गया, फिर भी आपकी बिल्ली के कान से कोई आपको लग रहा है लिक्विड निकल रहा है सफ़ेद रंग का या ब्लैक कलर का, तो फौरी तौर पर अपनी बिल्ली को डॉक्टर के पास लेके जाइए। हो सकता है कि कान में इन्फेक्शन हो या फिर जो है किसी किस्म का वायरल हो। कैल्सी वायरस की एक निशानी ये भी है कि कान में जो है ब्लैक कलर का पानी निकलता है। अच्छा, तो इसको मैंने नहला दिया है। अब मैं इसे ड्राई करूँगी, उसके बाद इसका ये ब्रश है, पाउडर है, ये सब इसको लगा के इसको बिल्कुल तैयार कर दूँगी। नहलाना तो मुझे वैसे भी था क्योंकि अब जो है टाइम आ रहा है, काफ़ी टाइम से नहीं नहाए हैं, अब ज़रा मौसम सही हो गया है, तो एक एक करके नहलाना तो है। और अब गर्मी आ रही है तो इनको ट्रिम भी करवाना है। उसमें यह कि ज़्यादा आसानी हो जाती है नहलाने में और ख़ास तौर से ड्राई करने में, क्योंकि बॉडी पे बाल नहीं होते। तो अब पहले मैं इसको ट्राई करती हूँ, अब उसके बाद इसका बाकी काम करेंगे। अच्छा, नहला दिया है मैंने इसको और ड्राई भी कर दिया है। अब जो है बारी है वाइट वाले मेल की। ड्राई कर दिया है, बाकी काम करना है इसका। नीचे से भी ये हुआ नहीं है क्योंकि बड़ी बिल्ली है तो ये ज़रा मसला करती है बड़ी बिल्लियाँ। चलो इधर। अब जो थोड़ा बहुत रह गया है बाकी ये खुद ही सूखेगा क्योंकि बड़ी बिल्लियाँ ज़रा मसला करती हैं ड्राई कराने में। बच्चे तो आसानी से करवा लेते हैं, अगर तंग भी करें तो आप उसको यह है कि हाथ में पकड़ लें और आसानी से ड्राई कर लेते हैं। उधर आप
हार्ड ब्रशिंग ज़रूरी होती है ताकि अंदर जो नॉट्स वगैरह बन रहे हैं या बने हुए वो निकल जाएं। जाओ।